मुर्गी पालन में सर बहुत अच्छा कमाई हो रहा है और एक ऐसी बिजनेस और ऐसा रोजगार है जिसे हम कम पे कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आज हम 10,000 कमा रहे हैं, इसे 50,000 भी कमा सकते हैं और बहुत बड़ा करते हैं लाखों कमा सकते हैं। ऐसा नहीं, कमाने वाले 20-25 या 30 हजार। परिचय पहले दे दीजिएगा। स्वागत है सर आपका भी गोरखपुर में हमारे फार्म पे। और हमारा परिचय चंद्रेश मौर्या, खोराबर ब्लॉक गोरखपुर से एकदम नियर शहर में ही है। कैसे हैं सर? एकदम मस्त हैं। मस्त हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर आपका काफी भव्य विस्तार पूर्वक आपका ये फॉर्म बना हुआ है सर, तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। आइए बताते हैं जी। यहाँ पे सर हमारा हो रहा है जी इंटीग्रेटेड फार्मिंग, जिसमें हम लोग तीन चीज शामिल किए हैं। मुर्गी है, बकरी है, मछली पे काम हो रहा है जी, चूजे पे काम हो रहा है। इन सारी चीजों पर आप काम कर रहे हैं जी। अच्छा, तो यहाँ पे ये बताइए कि सर आपके फॉर्म पे सर काफी सुंदर सुंदर मुर्गियाँ दिख रही है, तो ये सोनाली नस्ल की मुर्गियाँ हैं क्या? पूरा सोनाली है। अच्छा जी, तो चलेंगे थोड़ा सा फॉर्म दिखाएंगे क्या? जी। अच्छा, पूरा पूरा सोनाली यहाँ पे आप पाले हुए हैं जी। कितने हैं मुर्गियाँ सर अभी आपके फॉर्म पे? 600+। 600+ अभी आपके फॉर्म पे मुर्गियाँ हैं जी। अच्छा, ये फॉर्म सर कितने जगह में बना हुआ है? 2000 स्क्वायर फीट में बना हुआ है। और यहाँ पे कितने मुर्गियाँ आ सकती है सर? इसमें 1800 मुर्गियाँ आ सकती है जी। अच्छा, यहाँ पे देखने में लग रहा है काफी सुंदर सुंदर मुर्गियाँ हैं। और कितने वजन तक के मुर्गियाँ यहाँ पे है सर? इसमें हमारे पास मुर्गियों का वजन तो मान के चलिए 1100-1200 ग्राम 1300 ग्राम है। 1100-1200-1300 ग्राम। इसमें मुर्गा जो है एकदम पूरा तैयार मुर्गा जी, 1.5 किलो से कम भी है, ज्यादा भी है। अच्छा, 1.5 किलो से कम भी है और ज्यादा भी है जी। अच्छा, यहाँ पे सर सारे के सारे सोनाली ही हैं क्या जी? अच्छा, और सर आपका क्या क्या काम है थोड़ा हमारे किसान भाइयों को बताइए। और सर हमारा देखिए इसमें मुर्गियां हैं, बगल में बकरी रखे हुए हैं। अच्छा अच्छा, और बगल में तालाब है। अच्छा अच्छा, घर पे हैचरी लगाए हुए हैं। तो ये इंटीग्रेटेड फार्मिंग करने का जो आइडिया है सर, ये कैसे आपको आया थोड़ा बताइए। ये आइडिया सर हम लोग का मिला जुला के काम करने में इनकम थोड़ा ठीक ठाक रहता है, एक में कम हुआ तो एक में ठीक हुआ, उतार चढ़ाव बना रहता है हमेशा, इसलिए हम लोग चारों चीज मिला के किए हैं। अच्छा अच्छा सर, मुर्गी पालन में आप कुछ कमाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुर्गी पालन में सर बहुत अच्छा कमाई हो रहा है और एक ऐसी बिजनेस और ऐसा रोजगार है जिसे हम कम पे कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। आज हम 10,000 कमा रहे हैं, इसे 50,000 भी कमा सकते हैं और बहुत बड़ा करते हैं लाखों कमा सकते हैं। ऐसा नहीं, कमाने वाले 20-25 या 30 हजार लाखों रुपए कमा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा चीज है। अच्छा चीज है। और सर ये जो सोनाली का चुनाव ही आप कैसे किए और क्यों किए सर, ये थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को बताइए। सोनाली का चुनाव इसके लिए हम किए हैं सर, क्योंकि एक ऐसा चीज है जो हम कहीं भी आराम से सेलिंग कर सकते हैं, बीमारी कम आती है और इसकी मार्केटिंग बहुत अच्छा है। मुर्गियां छोटी होती हैं, फीड कॉस्ट कम आता है, अंडे ज्यादा देती हैं, उस अंडा मतलब अंडे का मार्केटिंग भी ठीक ठाक है। ये मुर्गा प्योर देसी जैसा होता है, प्योर देसी मुर्गा है, इसके लिए इसका चुनाव हम लोग ज्यादा किए। अच्छा, स्वाद में भी अंतर हो जाता है? स्वाद में बहुत अंतर है जी। बहुत सारे ऐसे किसान भाई हमें कहते हैं कि हमारे यहाँ तो काफी दूर दूर से लोग आते हैं खरीदारी करने के लिए मुर्गियों का जी। आपके यहाँ भी आते हैं क्या? यहाँ भी बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, जो चूजे लेने के लिए बहुत दूर से आते हैं, और जो बड़ा मुर्गा खाने वाला है, जिसके आने जाने का सुविधा नजदीक है, वो हमारे यहाँ से काफी बड़ा मुर्गा ले जाकर के खाता है, खाने के लोग खाते हैं जी। अच्छा, ब्रॉयलर में सर क्या लग रहा है कि ब्रॉयलर अगर आप करते तो उसमें ज्यादा कमाई होता, या फिर आप सोनाली किए हुए हैं इसमें आप कमाई ज्यादा कर रहे हैं? देखिए सर, ब्रॉयलर में समस्या यही है कि वो जब तैयार हो गया तो उसे बेचनी जरूरी है जी, आप उसे रख नहीं सकते हैं और उसका फीड कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर सोनाली मुर्गा आपका तैयार हो गया है और रेट नहीं है, मार्केट डाउन चल रहा है या कोई पर्व चल रहा है, तो आप इसे 1 महीना 15 दिन रख भी सकते हैं, उसके बाद इसका मार्केटिंग भी बहुत सही है और कम कॉस्ट में पला रहेगा। ब्रॉयलर करेंगे उसमें पूरा फीड देना है, नेचुरल कुछ भी नहीं दे सकते हैं। आप अगर देसी कर रहे हैं तो उसके साथ में कोई भी हरा चारा या बेस्ट जो भी सब्जी है, कद्दू हो गया, लौकी हो गया, मार्केट में जो भी चीज सस्ते मिल रहे हैं, गोभी हो गया, पत्ता गोभी हो गया, उसे ला करके काट काट के दे सकते हैं, उससे भी मतलब काफी ग्रोथ होगा, कैल्शियम ठीक ठाक मिलेगा। हरा चारा खाने से एक अंदर का अलग ही पहचान होता है, ये अंदर का एक अलग पहचान होता है और बाहर से भी देखने में लगता है कि ये हरा चारा जो खाए हुए वो काफी तंदुरुस्त एकदम देखने में लगता है। हरा चारा खाने से सब ऊपर से भी बहुत अच्छे दिखते हैं, क्योंकि शाइनिंग वैसे ही दिखता है। अब कोई भी चीज बैठ के खा रहा है उसका अलग होगा, कोई भी चीज घूम रहा है, दौड़ रहा है, उसका वातावरण और उसका रहने सहने का, उसका सब चीज अलग है, ऑटोमेटिक पता चलेगा कि कौन रखा हुआ है
पैक करके कहा है कौन फ्री रेंज में है, ये सब फ्री रेंज वाले हैं, ये सब फ्री रेंज में आप अपने फॉर्म में किए हैं जी। आज बारिश के मौसम के कारण आप खोले नहीं है, ये फ्री रेंज में पूरा घूमती रहती है जी, बाहर निकल अच्छा। के पूरा हमारा खेत बगल में है, उसमें सब आते जाते रहते हैं, और वहाँ पे नहीं जाते तो घास काट के इसमें भी हम लाके, आज बारिश का टाइम था तो इसमें भी हमारा चारा लाके डाल दिए हैं ताकि जो वहाँ पे नहीं गए यहाँ पे ही खा ले। अच्छा, पूरा दिन में सर हरा चारा पे ही रखते हैं या फिर और कुछ दाना वगैरह देते हैं? नहीं सर, सुबह हम पहले दाना देते हैं, मान के चलिए अगर हमें सुबह 50 ग्राम दाना देना है जी, हम 30 ग्राम पर मुर्गी के हिसाब से दाना दे देंगे, ठीक है। बीच में हम दो बार घास डाल देंगे 11 बजे फिर दोपहर में, और शाम को फिर हल्का दाना दे देंगे, क्योंकि फीड देना भी जरूरी है, जरूरी है। सिर्फ घास ही देंगे तो वो सही नहीं है, क्योंकि कोई मुर्गा घास खाएगा कोई नहीं खाएगा, फीड देंगे तो सबको पोषक तत्व तो बराबर मिलता जाएगा और हरा चारे से अपना फीड कॉस्ट भी कम हो जाएगा। सर एक और सवाल हम आपसे करना चाहेंगे, पर्पस आपका क्या है, मीट पर्पस है या फिर अंडा का पर्पस है आपका? सबसे मूल पर्पस है हमारे अंडे का। अच्छा, जो हमारा मतलब बच्चे के लिए है, बाकी साथ में जो मुर्गा है उसे तो हम अंडा दे नहीं सकते हैं, उसे हमारा सेल करना जरूरी है, लेकिन दोनों देसी ही तौर से पाले हैं और मुर्गा सेल कर देते हैं, मुर्गियां रख करके उसके अंडे से हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं। अच्छा, तो अंडे का जो है आप इसमें जो कलेक्शन कर रहे हैं ये पर डे का कितने कलेक्शन आप अंडे का कर रहे हैं? इस समय तो सर अंडा कम हो गया है क्योंकि मानसून कुछ बिगड़ गया था और मुर्गियां काफी हमारी कुछ पुराना हो चुकी हैं, नई मुर्गियां हैं जो अंडे पे आना चाहेंगी, जो हमारे फार्म में अभी फिलहाल 50 से नीचे अंडा हो रहा है जी। और आने वाले समय मतलब अगले महीने तक 200 अंडा प्लस हो जाएगा, 200 अंडा प्लस हो जाएगा आपके फार्म पे, 200 अंडा प्लस निकलना चालू हो जाएगा। तो सर इतने सारे अंडे, जैसे 200 अंडा कम नहीं होता है, जैसे अगर आप सेल नहीं कर पाए किसी कारणवश तो फिर उसको आप हैचिंग मशीन में डाल देंगे या फिर उसको क्या करेंगे आप? देखिए सर, हमारा सेल करने का मेन चीज वो नहीं, अगर कोई मांग लिया तो हम दे देते हैं, ठीक है। अगला आदमी अगर मांग रहे हैं अंडे तो उन्हें हम देते हैं देसी अंडा, और मेन चीज हमारा पर्पज है हैचरी, जो हमारे पास खुद अपने हाथ से बनाया हुआ दो हैचरी मशीन है, उसमें हम अंडा लगाते हैं, बच्चा निकालते हैं, बच्चे को सेल करते हैं। अच्छा, सेल भी करते हैं? हाँ, बच्चा सेल भी करते हैं। अभी अगर कहीं से फोन करते हैं या कोई भी फोन करेंगे कस्टमर, उनके हम पहुँचाएंगे, आके भी ले जा सकते हैं जी। तो आपका काम है चूजे का भी सेल करना। हमारे जो किसान भाई हैं वैसे काफी ठगी के शिकार हो जाते हैं, जो चाहते हैं कि हम कहीं से अगर खरीदारी करें तो उनको जो है सही उनका जो है मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है अगर शुरुआती दौर में, तो क्या हमारे किसान भाइयों को ये बताइए, आप शुरुआती दौर से ही मार्गदर्शन देते हैं या फिर आप भी उसी तरीके का काम करते हैं? नहीं सर, हमारा ऐसा नहीं है। देखिए पहली बात तो हम थोड़ा कड़वा हो सकता है हमारा सवाल जी, लेकिन ऐसा नहीं, जायज बात है, जायज हमारा जो भी चीजें हैं, अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो हम काफी नजदीक हैं या काफी दूर हैं, आप आ सकते हैं हमारे फार्म पे, आने का कोई वो नहीं है, आके देख भी सकते हैं, भिजवा भी सकते हैं, उसका पूरा बना भी सकते हैं, फोटो भी भेज सकते हैं, और हमारा खुद का मतलब अंडे से काम किया हुआ है, आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा देसी है, इसमें कोई वो नहीं है, नजदीक से बच्चा लेने में कोई दिक्कत नहीं है। शिकार वही होते हैं जो 2 रुपए के चक्कर में बहुत दूर से बच्चा मंगा लेते हैं, और जिसका मतलब कोई वो नहीं है, नेट पे नंबर देख करके फोन कर देते हैं, वो बच्चा आने के बाद मतलब काफी दूर से ट्रेवलिंग करके आता है, बच्चे में कोई शिकायत नहीं है, शिकायत है ट्रेवलिंग का, जो आने जाने में 2 से 3 दिन लग जाने के कारण ही बच्चे मतलब तुरुस्त नहीं रहते हैं। आपके यहाँ से ही किसान भाई क्यों चूजा खरीदारी करें? हमारे यहाँ से ही नहीं, कोई भी जगह आप मान के चलिए जहाँ आपका विश्वास है जी, या जहाँ पे आपको अच्छा लग रहा है, और मेन चीज है नजदीक का, आप नजदीक से ले सकते हैं, हम पहुँचा भी सकते हैं, और हमारा देख सकते हैं कोई इसमें मिलावटी नहीं है, मिलावटी नहीं है, और ये चीज आप अपने ब्रीड अपना जो आपका खुद का ब्रीड है, खुद का है। जहाँ पे हम बच्चा दिए हैं, जैसे हमारा अंडे बताए हमने किस समय 50 से कम हो रहा है, फिर भी हम बच्चे पे काम कर रहे हैं। ये फार्म कितने जगह में आप मुर्गियों को रखने के लिए बनाए? मुर्गियों का सर अभी तो हम 1200 स्क्वायर फीट का जगह दिए हैं, 1200 इसमें अभी जगह काफी बचा हुआ है जी, इसे हम मशीन में अंडा लगाए हुए हैं, और हमारे रूम में भी बच्चे हैं जो उसमें हम डालेंगे। अच्छा, आपके माने हैचरी में भी जो बच्चे हैं वो और डालेंगे इसमें क्या? ऐसा कुछ है क्या जी? जी, मुर्गी पालन में क्या क्या बीमारी वगैरह हो सकता है जिससे वो सावधान रहे, ये समझाइए थोड़ा। मुर्गी फार्म में सबसे मुख्य चीज है सफाई, सफाई, और बाहर से कोई भी आदमी अंदर ना आए, हमारा फार्म वाला एरिया है इसे हमें काफी कवर करके रखना है, जो आपका मेन चीज है सफाई का, बैक्टीरिया का, और कोई ऐसा समस्या नहीं, से बीमारी आने का, सर्दी का समय है, बारिश का टाइम है, तो कभी कभी मुर्गियों को
जुखाम हो जाता है, उसका दवा आप कहीं भी मेडिकल स्टोर पे जाके आसानी से ले सकते हैं, मिल जाता है और दो तीन दिन में ठीक हो जाता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बाकी वैक्सीन किए हुए हैं, उनको समस्या नहीं आएगा जी। अच्छा सर, इधर आपका क्या क्या काम है थोड़ा समझाइए। सर हमारा देखिए तीन रूम बना हुआ है जी, जो हमारा आराम करने का रूम है, ये हमारा गोदाम हो गया जिसमें हम दाना और अपना जो भी वैक्सीन रखना उसे रखते हैं, दूसरा हो गया बकरी का भूसा, और तीसरा हम बच्चे का ब्रूडिंग के लिए बनाए हुए हैं, जो हमें मतलब बच्चों को अगर किसी को ब्रूडिंग करके देना है, बहुत से किसान भाई हैं जो बच्चे छोटा नहीं लेना चाहते हैं, जिन्हें काफी जानकारी नहीं रहती है, नया रहते हैं, वो बोलते हैं हमें ब्रूडिंग करके दे दीजिए, उनको हम वो भी सुविधा देते हैं, ब्रूडिंग करके भी बच्चा दे देते हैं। अच्छा, छोटे छोटे इसमें आप चूजे रखे हुए हैं जी। जी, तो ये सब सारा आपका पूरा सिस्टम है यहाँ पे। अब इस सारे कामों से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं सर, बिल्कुल, क्योंकि हमारा काम कोई भी काम है अभी तक बाधा नहीं आया है। जो भी काम करते जा रहे हैं, हमारा एक काम से दूसरा काम, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, आसानी से चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई रुकावट नहीं आया, इसके लिए हम संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, चलिए। रुकावट आएगा भी नहीं अगर आप सब कुछ ध्यान देते हैं और ऐसे किसी किसानों से मिलके काम करते हैं जो मतलब आपका पूरा सहयोग करते रहे हैं, तो रुकावट आने का कोई चांस नहीं रहेगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, हमारे किसान भाइयों को इतनी अच्छी तरीके से जानकारी दिए, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद।